नमस्कार स्टूडेंट्स सी के मैथ के सैम्पल पेपर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है और इसको आगे करते हुए आगे सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन से चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन इस प्रकार से है इफ टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इजकल टू टू तो बीटा का वैल्यू क्या होगा सॉल्व करते हैं तब इसके ऑप्शन को मैच करेंगे टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू टू हम लोग इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं हम और ये टू है अब इसको आगे सॉल्व करते हैं टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू टू फिर आगे होता है टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा थ्री साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ये माइनस वन इधर आके ऐड होके थ्री हो गया तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू थ्री बाई थ्री यानी वन अब ये साइन में वन का कौन सा डिग्री मेजर है जो वन होगा तो ये साइन नाइन्टी डिग्री होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इज साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू तो तो वन दे आर फो साइन बीटा इज इक्वल टू वन साइन में कौन सा डिग्री मेजर वन होता है तो वो साइन नाइन्टी डिग्री है तो हम लोग वन के जगह पे साइन नाइन्टी डिग्री लिख सकते हैं साइन कैंसिल कर देते हैं दे आर फोर बीटा इज इक्वल तो टू नाइन्टी डिग्री ये हमारा इसका बीटा का आंसर है ऑप्शन में देखते हैं ए जीरो डिग्री नहीं है बी नाइन्टी डिग्री तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारा ये सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर एट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 फोर पॉइंट वन टू थ्री क्वेश्चन नंबर एट फोर्टी फोर पॉइंट वन तो हमको ये फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर तो इसको सॉल्व करते हैं पहले ये हम लोग इसको लिखेंगे फोर्टी फोर वन टू थ्री और डिवाइड हो गया वन थाउजेंड अब ये जो डिनोमिनेटर इसका वन थाउजेंड है इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है तो इसका प्राइम फैक्टर्स टू और फाइव ही होगा आप निकाल के इसको देख सकते हैं टेन फिर टेन फिर टेन और टेन का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा टू इन फाइव तो जितना भी टेन है सब में टू और फाइव ही है इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाएगा तो इसका प्राइम फैक्टर्स टू और फाइव ही होगा इसके ऑप्शन में चलते हैं इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू थ्री ऑप्शन बी टू थ्री फाइव और ऑप्शन सी टू फाइव और ऑप्शन डी है थ्री फाइव तो हम लोगों के पास जो प्राइम फैक्टर्स आया था वो प्राइम फैक्टर्स है टू और फाइव तो इसका ऑप्शन टू और फाइव ऑप्शन नंबर सी होगा ये क्वेश्चन नंबर टेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है इसको देखें आप क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ये क्वेश्चन कहता है द लाइंस एक्स इजल टू एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो ये क्या रिजल्ट देगा ये दो लाइंस जो ग्राफ खींचा जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले ग्राफ खींच लेते हैं उस पर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके लिए एक एक्सेस खींच लेते हैं कॉर्डिनेट एक्सेस ये हमारा एक कॉर्डिनेट एक्सेस है ये ऑरिजिन हो जाएगा एक्सजिकल टू ए इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा मान लेते हैं कि ए का वैल्यू फाइफ है तो ये यहाँ पर आ गया यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींच लेंगे तो ये जो हमारा लाइन आएगा ये x इज इक्वल टू ए का ग्राफ होगा ठीक अब y इजल टू बी वाई एक्सिस पर b कोई भी वैल्यू ले, ले, ले लेते हैं पाँच सात दस कुछ भी ले, ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये ले, ले लेते हैं और यहाँ से एक लाइन इस तरह से इसको खींच देंगे तो ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू बी ये रिजल्ट हमारा है इस रिजल्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो दो लाइंस हैं एक्स इचुअल टू ए और एक्स इचुअल टू बी एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा ठीक है ऑप्शन में आते हैं इसका ऑप्शन है नंबर ए इंटरसेक्टिंग नंबर ए इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्ट कर ही रहा है कोई डाउट इसमें नहीं है नंबर बी पैरल ये दो लाइन पैरल है ही नहीं क्योंकि ये तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्रॉस कर देते हैं नंबर थ्री ओवरलैपिंग सी वाला ऑप्शन है ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि एक लाइन ये है और एक लाइन इसी पर इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएगा तो ये वाला ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है और डी में आता है नन ऑफ दीज डी दी, नन ऑफ दीज तो अब इसमें हमको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इंटरसेक्टिंग तो सही कर सकते हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग तो कोई भी लाइन हो सकता है इस तरह से भी इंटरसेक्टिंग हो सकता है इस तरह से भी इंटरसेक्टिंग हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री है तो हम इंटरसेक्टिंग को टोटल फुल करेक्ट नहीं मानेंगे तो हम कर सकते हैं यह नन ऑफ दीज है नन ऑफ दीज ही इसका ऑप्शन बेटर है क्वेश्चन टेन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए क्वेश्चन नंबर टेन ये भी कॉर्डिनेट एक्सिस का है यहाँ पर एक कॉर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं ये ऑरिजिन है मान लेते हैं और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव इधर आएगा और सिक्स इधर आएगा तो ये एक पॉइंट है माइनस फाइव और सिक्स तो ये जो पॉइंट है ए फ्रॉम द ऑरिजिन तो ये डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमको फाइंड करना है ओ ए ये वाला तो ओ ए इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला जीरो माइनस माइनस प्लस जीरो प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सिक्स होल स्क्वायर इसका रूट अंडर ले लेंगे ले। तो ये आ जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स का रूट अंडर ये आ गया सिक्स फाइव एलेवन वन थ्री टू फाइव वन सिक्स स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स आएगा इसके ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एलेवन यूनिट्स ऑप्शन बी सिक्सटी वन यूनिट्स ऑप्शन सी स्क्वायर रूट एलेवन यूनिट और ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ये ऑप्शन सही है ऑप्शन डी हमको दिया हुआ है सिक्सटी वन का स्क्वायर रूट यूनिट तो ये डी ऑप्शन इसका सही आता है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ये क्वेश्चन है और देन ए इज इज ये क्या होगा पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे तो ए स्क्वायर अगर हमारे पास ट्वेंटी थ्री बाय एलेवन है तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं एज इक्वल टू रूट थ्री बाय फाइव यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट ट्वेंटी थ्री ये इरेशनल नंबर है और फाइव एक रैशनल नंबर है और जैसा हम लोग जानते हैं द क्वेश्चन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज इरेशनल तो ये एक इरेशनल नंबर आ जाएगा यानी कि इसके ऑप्शन में हम लोग चलेंगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है तो इसका ऑप्शन है नंबर ए रेशनल नंबर बी इरेशनल नंबर सी होल नंबर और नंबर डी इंटीजर। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया स्क्वायर रूट ट्वेंटी थ्री है, फाइव रेशनल है और इसका क्वेश्चन हमेशा इरेशनल होगा तो हमारा ऑप्शन ये पी नंबर है इरेशनल इसमें हम लोग टिक लगा देंगे ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन एल और एस यानी रियल नंबर पर बेस्ड है इसको देखें इस तरह का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेट हंड्रेड परसेंट आएगा एल दिया हुआ है हमको एल सी एम नंबर है एक्स और एटीन इसका एल सी एम दिया हुआ है थर्टी सिक्स और इसका एस सी एफ ये दो नंबर ही है एक्स और एटीन इसका एस सी एफ है टू तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इस तरह के क्वेश्चन को जरूर पढ़ाए बिल्कुल श्योर शॉर्टर क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है एलसीएम इंटू एस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर टू नंबर एक एक्स है और एक एटीन है तो एक्स इंटू एटीन और हम लोग लिखेंगे एल्शियम इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू एस सी एफ टू इज इक्वल टू एक्स इंटू एटीन देर फोर एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू टू थर्टी सिक्स इंटू टू बाई एटीन इसको कैंसिल कर देंगे टू तो x इज इक्वल टू फोर ये हमारा फोर x का वैल्यू है अब इसके ऑप्शन में चलते हैं क्या क्या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू बी थ्री सी फोर और डी फाइव ये चार ऑप्शन हमारे पास है तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन किसी भी ट्रैंगल राइट एंगल जो कि बी पर राइट एंगल है उसमें दिया हुआ है टेन ए इजक्ल टू रूट थ्री तो हमको कुछ साइन कॉसेस इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये क्या है तो हम लोग देखते हैं टेन ए इज इक्वल टू रूट थ्री रूट थ्री का वैल्यू टेन में कितना आता है तो टेन सिक्सटी है तो हम लोग इसको लिखेंगे टेन सिक्सटी डिग्री टेन अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंगल ए इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री जब एंगल ए सिक्सटी आ गया एंगल बी राइट एंगल है तो एंगल सी हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा ये दो वैल्यू हम निकाल लिए अब हमको ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू निकालना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे कॉस ए 60 डिग्री इंटू कॉस सी 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन सिक्सटी डिग्री इंटू साइन थर्टी डिग्री अब इसका वैल्यू रखेंगे कॉस सिक्सटी वन बाई टू इंटू साइन कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू माइनस साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू इंटू साइन थर्टी वन बाई टू ये दोनों सेम नंबर है इसलिए ये कैंसिल होके इसका वैल्यू हमको जीरो आ जाएगा अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है तो ये बी ऑप्शन है बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे सेकंड पार्ट यहीं तक हम लोग देखेंगे फिर थर्ड पार्ट में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप द यूनिवर्स एक्स रोड यहाँ पर फिजिक्स के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा आप यहाँ पर फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन करें आज इतना सही जय हिंद जय भारत